तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो भाई फाइनली काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई अपने खेत के बारे में कुछ मुझे दिखाओ, क्या कुछ फसल लगे हुए हैं वो मुझे दिखाओ। तो जी हाँ, ये जो वीडियो आ चुका है इसी के रिलेटेड आया है, और ये देख सकते हो मैं आ चुका अपने खेत की तरफ। एंड ये सारा का सारा आप लोग देख सकते हो, पूरा का पूरा फसल लगे पड़े हैं, जो कि गेहूँ है, सरसों है, सारा कुछ लगा पड़ा है। और ये मेरा खेत है, ये मेरा यही खेत है, एंड ये भी मेरा ही खेत है। तो आपको मैं पूरा का पूरा मैं दिखाऊंगा, इंट्रोड्यूस भी मैं कराने वाला हूँ क्या कुछ इसमें लगाया गया है। देन उधर आलू वगैरह भी बोया गया, वो भी मैं आपको दिखाने वाला इस वाले ब्लॉग पे। तो ब्लॉग को जरूर से एंजॉय करना आप लोग लास्ट तक का। और हाँ प्लीज यार, आप लोग बिना बोले लाइक तो कर ही देते हो हर ब्लॉग को। तो इस वाले ब्लॉग को मैं बोल रहा हूँ लाइक करने के लिए, क्योंकि इस वाले ब्लॉग में कुछ आपको अलग देखने को मिलेंगे। तो प्लीज वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, देन चलिए ब्लॉग को थोड़ा सा एंजॉय कीजिए आप लोग फिलहाल। तो भाई फाइनली अभी आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा जो है एक खेत ये है, जो कि गेहूं इसमें लगाया गया। ये जो पूरा का पूरा जो फसल है ना, सारा का सारा गेहूं है, प्लस ये जो है सरसों लगाया गया, ये भी मेरा ही खेत है। एंड अभी भी एक दो खेत हैं जो कि उधर है, उधर के साइड में, ठीक है। वो बहुत दूर है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है इस वाले खेत से। फिलहाल आप लोग यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जैसे कि ये सरसों लगा पड़ा है, ठीक है, और ये गेहूँ है, ठीक है। तो अभी ये सरसों लगा है ना, तो इसके अंदर ही यहाँ पे आलू का भी यहाँ पे कुछ लगाया गया, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो में ही। तो आप लोग बस व्लॉग को एंजॉय कीजिए फिलहाल। मैं फाइनली आ चुका हूँ जहाँ पे आलू लगाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यह पूरा का पूरा जो आलू के पौधे हैं एंड इसके अंदर आलू है, वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में ही। एंड यहाँ से वहाँ तक लगा पड़ा है, और ये जो है ना सारा का सारा लगाया गया अपने खाने के लिए। हालांकि दोस्तों ये पूरा पूरा खेती जो है ना, यहाँ पे देख सकते हो, ये सारा कुछ अपने खाने के लिए लगाया गया। एंड इधर जो है ये सरसों होता है, जैसे कि तेल वगैरह होता है ना निकलता है, वही सरसों बोलते हैं इसको। देन यार, आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिलाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। एंड ये भी सारा का सारा गेहूँ है, ठीक है, ये भी यहाँ पे लगा पड़ा है। देन आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पे मैं चलता हूँ इस साइड थोड़ा सा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये पूरा का पूरा लहसुन है, ठीक है। ये लहसुन आपको पता होगा शायद से, नहीं पता तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी यहाँ पे कुछ इस तरह से, अभी ये पूरा का पूरा हुआ नहीं, नहीं तो मैं आपको एक निकाल करके इसमें से दिखाता। फिलहाल आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक मूली यहाँ पे देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये मूली है, अभी यहाँ पे ये सारा का सारा मूली है, और इसके अंदर ही मतलब ये ज़मीन में ही होता है। तो मूली का अगर निकालते हैं तो मूली उसमें से निकल जाता है, देन उसको हम लोग यूज़ में ले सकते हैं खाने में, ठीक है। एंड यहाँ पर भी देख सकते हो ये थोड़ा थोड़ा बड़ा भी हुआ है मूली, ये देख सकते हो। अभी बात किया जाए ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पे ये सारा का सारा प्याज का जो तो छोटे छोटे वो लगाए गए हैं बीज, ठीक है। हालांकि दोस्तों ये प्याज इसमें इसी से प्याज निकलता है, हालांकि दोस्तों ये अभी छोटे छोटे बीज अभी ये पैदा हो रहे हैं, जैसे कि ये घना होगा, और यहाँ पे देख सकते हो तो अभी ये छोटे छोटे हुए हैं। एंड ये जो है घना होगा, घना होने के बाद उसके बाद से इसको निकाल करके इसी में बोया जाएगा, ठीक है, बोया जाएगा उसी तरह से। और जिस तरह से ये लगाया गया है ना लहसुन, उसी तरह से इसको भी लगाया जाएगा, देन उसमें से प्याज निकलेगा जो कि बड़ा बड़ा होता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा यार चैनल के माध्यम से ही, तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। फिलहाल आप लोग ऐसे देख सकते हो यार, सारा का सारा ये आलू यहाँ पर लगा पड़ा है, देन यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो फिलहाल आप लोग व्लॉग को इन्जॉय करें फिर।
तो भाई यही कुछ फसल लगे पड़े हैं जो कि हमारे खेत में, हालांकि अभी ये छोटे छोटे हैं, नहीं तो मैं आपको पूरे का पूरा मैं निकाल करके मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन अभी कुछ इसमें से निकल नहीं पाएगा तो क्या ही मैं आपको दिखा पाऊँ। हालांकि दोस्तों अभी ये जो आलू लगा है ना, इसमें से आलू भी निकलता है, तो इसमें से जैसे कहने मतलब है कि ये जो मिट्टी है उसको खोदते हैं तो उसमें से आलू निकलेगा, देन उसी को पका करके खाया जाता है। देन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सारे मार्केट में सप्लाई होते रहते हैं, जिनके ज़्यादा खेत रहते हैं वो ज़्यादा लगाते हैं ताकि मार्केट में वो लोग उसको बेच करके ज़्यादा ज़्यादा पैसे इनकम ले सकते हैं। फिलहाल आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि इस वाले चैनल पर मैं आपको दिखाऊँगा कैसे आलू को निकाला जाता है, कैसे ज़मीन से निकाल करके इकट्ठा किया जाता है, उसको कैसे यूज़ में लिया जाता है, एंड कैसे प्याज को लगाया जाता है, ये भी यार इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। हालाँकि दोस्तों अपना जो लाइफ स्टाइल एक तो व्लॉग है तो आप लोग समझ सकते हो, ये इस तरह का वीडियो तो आपको देखने को मिलते रहेंगे। फिलहाल अगर चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये था छोटा सा वीडियो, होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।